अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आइए आज आपको दिखाते हैं कैसे एक छोटे से रकबे वाला काश्तकार इस महंगाई के दौर में अपने बजट को पूरा करने के लिए कैसे जो है वो ज़बरदस्त तरीके से एक प्लानिंग चला रहा है। आपको भी दिखाते हैं ताकि आप भी आगे चल के ऐसे अपने चीज़ों को मैनेज कर सकें। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं एक छोटे काश्तकार की मैनेजमेंट अपने रकबे के ऊपर। दोस्तों इस दौर के अंदर सबसे मुश्किल काम जो है वो खुराकी या ज़रूरियात की चीज़ों को परचेज़ करना। लग्जरी चीज़ें तो ख़रीद से वैसे ही बाहर हैं। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि इस काश्तकार भाई ने लहसुन ख़ुद अपने लिए काश्त किया है। थोड़ा सा रकबा है। इस रकबे में अगर आप देखेंगे तो ये पीछे इसका घर है, यहाँ पे एक ये छोटा सा प्लाट एक लूसन का लगाया दो तीन बकरियों के लिए, फिर यहाँ पे इसने सब्जियाँ लगाई हैं। ये आप देख सकते हैं लहसुन की फसल है, यहाँ पर जो है धनिया लगा हुआ है, पालक साथ लगाई हुई है, पालक लगी हुई है। इसके अलावा जो है उसने आगे वो सामने प्याज लगाया हुआ है, और आइंदा के लिए उसने यहाँ पर आप देख सकते हैं सिट्रस यानी बाग के भी पौधे लगाए हुए हैं। अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा देखें तो इस खाल के ऊपर भी जो है वो अमरूद का दरख्त लगा हुआ नज़र आ रहा है आपको। तो उसके साथ जो है दो और अमरूद के दरख्त भी हैं, सिट्रस भी लगा हुआ है। कैसी ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ, और इसी जगह पर साल भर के खाने के लिए गंदम है। तो थोड़ा सा एरिया लेकिन अच्छे से मैनेज किया है। साल की सब्ज़ी यहीं पे ही, गर्मियाँ की अब जितनी जैसे जैसे गर्मी आती जा रही गर्मियों की फसल लग जाएगी। तो ज़बरदस्त तरीके से जो है वो मैनेज किया हुआ चीज़ों को। अगर सारे काश्तकार भाई अपनी सब्ज़ी खुद उगाना शुरू कर दें तो मेरा नहीं ख्याल कि जो अब इतनी महंगी 250 रुपये लहसुन है, दूसरी सब्ज़ियाँ बड़ी महंगी महंगी हैं, तो वो बड़ी आसानी से मैनेज हो सकती हैं। मतलब कि इस सब्ज़ी को अगर आप और कुछ भी नहीं तो इस खाल के ज़रिए जो इस वक्त ये आप देख सकते हैं, ये जो खाल जा रहा है ये सीधा खाल जा रहा है पीछे की, अगर इस खाल से आप दो चार बाल्टियाँ इस फसल को डाल देंगे तो तब भी ये फसल खुश्की से नहीं मरेगी। तो लिहाजा आज के वीलोग में आपके साथ शेयर करना था, ख़ास तौर पर जो काश्तकार भाई हैं वो अपनी सब्ज़ी खुद उगाएं ताकि आपको महंगाई से जो है वो लड़ने में हेल्प हो सके। जहाँ पे आप दीगर फसलें लगाते हैं वहाँ पे आप ये भी फसल लगा सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह।